तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आधार ई लर्निंग का सारा असाइनमेंट है यहाँ पे क्लियर हो चुका है, और डायरेक्ट हमें यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड होकर आ चुका है। लेकिन आप री एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो री एग्जाम का बात हम आगे वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। यह हमारा सेकेंड कोर्स है और री एग्जाम में फर्स्ट कोर्स के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो कैसे आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप लोगों के बीच हम आधार ई लर्निंग को लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आधार ई लर्निंग का री एग्जाम कैसे देते हैं बहुत दिनों से। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं लॉग इन करके आधार ई लर्निंग के डैशबोर्ड पे, और वहाँ पे हम जानेंगे कि आधार ई लर्निंग का री एग्जाम कैसे देंगे। चलिए हम डायरेक्ट डैशबोर्ड पे आ गए हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद चलिए पहले हम जान लेते हैं कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कोर्स देखने को मिलेगा, मिल जाएगा आपको जो जो कोर्स आप इनरोल किए हैं यहाँ पे, और कोर्स देखने को मिल जाएगा जितने भी कोर्स यहाँ पे आधार ई लर्निंग में दिया जाता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और बात कर लेते हैं माई कोर्स के बारे में। माई कोर्स के बारे में यानी कि जितने भी आप यहाँ पे कोर्स इनरोल किए होंगे सिंपल से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट कोर्स यहाँ पे इनरोल हुआ है। चलिए फर्स्ट कोर्स को हम ओपन करते हैं। फर्स्ट कोर्स ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ पे प्री असाइनमेंट और सेल्फ पैलेस लर्निंग और फाइनल एग्जाम यहाँ पे हम दे चुके हैं पहले भी, लेकिन यहाँ पे हमारा फाइनल एग्जाम क्लियर ना हो पाया। चलिए इसको ओपन करते हैं और आगे जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे फर्स्ट कोर्स यहाँ पे हम एग्जाम दिए हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 3 बार ही इस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। 3 बार में अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपको यहाँ पे फेल कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे कुल 20 अंक पीछा जाता है जिसमें आपको कम से कम 15 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट बार यहाँ पे हम फर्स्ट असाइनमेंट का एग्जाम क्लियर किया है, तो यहाँ पे हमारा तीनों असाइनमेंट में 10, 11 और 12 ही अंक प्राप्त हुआ है, जिसके कारण यहाँ हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे हमें री एग्जाम का कोई ऑप्शन नहीं दिखाया जा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि बैक टू द कोर्स। तो सिंपल से आप यहाँ पे बैक टू द कोर्स पे क्लिक करेंगे। बैक टू द कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो असाइनमेंट मिला है सारा आपको फिर से एक बार क्लियर करना है। पहले भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है, लेकिन एक बार और क्लियर करना है। अगर आपका यहाँ पे प्री असाइनमेंट का री एग्जाम का कोई ऑप्शन अवेलेबल हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी क्लियर कर देते हैं कि एक बार और हम जो हमारा सेल्फ पैलेस लर्निंग होता है उसमें हम 2 बार क्लियर कर चुके हैं, लेकिन 2 बार क्लियर करने के बाद भी हमारा जो लास्ट अटैम्प्ट होता है यानी कि लास्ट क्वेश्चन आंसर फाइनल क्वेश्चन आंसर आता है उसमें हमें कोई किसी भी तरह का री एग्जाम का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे सेल्फ लर्निंग पैलेस पे मटेरियल आप यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो फिर से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका कोई गारंटी हम नहीं दे सकते हैं कि आपको री एग्जाम का ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। और यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और कमेंट कर रहे थे कि जब हम सेल्फ पैलेस लर्निंग में फिर से क्लियर करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो असाइनमेंट क्लियर का टिक होता है वो नहीं लग रहा है। तो आपको यहाँ पे असाइनमेंट क्लियर का टिक लग जाता है, लेकिन आपको जो फाइनल कोर्स होता है ना, फाइनल कोर्स का आपको री एग्जाम का ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। 2-3 मंथ से बहुत लोगों का यहाँ पे यही कोशिश था कि जो हमारा फेल हो चुके हैं उसको री एग्जाम दे, और री एग्जाम देने के बाद हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए। तो यह हमारा न्यू वीडियो है, तो इस वीडियो में आपको यह क्लियर हो गया होगा कि अभी री एग्जाम का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं किया गया है। जैसे ही आपको री एग्जाम का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल किया जाता है तो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे जो CSE का न्यू अपडेट आया है जिसमें हमें पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना पड़ता है, उससे हम कैसे बनाएंगे और उसे अपलोड कैसे करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहें तो चैनल से हमारे ज्वाइन भी हो सकते हैं, यानी कि हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं।